आज अहमदाबाद में हूँ और देश का सर्वथा बिकने वाला अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर ढूंढने की कोशिश करी। फ्रंट पेज पर आपको मोदी जी ने क्लाइमेट चेंज पर क्या कहा उसके बारे में दिखेगा, फिर दिखेगा डिफेंस एक्सपो के बारे में, फिर दिखेगा कि मोदी जी 10 लाख नौकरियों लॉन्च करने वाले हैं, जो अभी थोड़े दिनों पहले कर गए थे उस पर सवाल नहीं है, जो लॉन्च करने वाले उस पर है। तो फ्रंट पेज पर तीन खबरें मोदी जी के बारे में, फिर आप पन्ना पलट लीजिए और अंदर जाइए तो एक बड़ा सा मेगा फिनाले क्विज G3Q गुजरात की मोदी जी की हंसती हुई तस्वीर नजर आएगी। फिर आप ये पन्ना पलटिए और पन्ना पलटने पर पेज नंबर 6 पर जाइए। पेज नंबर 6 का आधा सिर्फ कंटेंट इसमें तीन चौथाई पन्ने पर ही है, आधा से ज्यादा इस पे डिफेंस एक्सपो के बारे में, वही डिफेंस एक्सपो जिसके चलते गुजरात के चुनाव की डेट अनाउंस नहीं हुई क्योंकि सरकारी खर्चे पर मोदी जी को और प्रचार करना था। आप आगे बढ़िए, पेज नंबर 6 के आगे ये डबल स्प्रेड है, ये डबल स्प्रेड है, यहाँ पर मोदी जी की एक और हस्ती हुई बड़ी, चीफ मिनिस्टर से बड़ी तस्वीर देखिए हर बार होती है। डबल इंजन सरकार में जो डबल इंजन ऊपर वाला इंजन है वो बड़ा रहेगा, वो छोटा नहीं रहेगा। ये डबल स्प्रेड मोदी जी का, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। अभी तक मैंने आपको 5 खबरें दिखा दी और इतने इश्तिहार दिखा दिए। आगे बढ़िएगा, पेज नंबर 10 पे आ जाइए। पेज नंबर 10 पे मोदी जी की एक फोटो, यहाँ पर UN की बात करते हुए, ये पहले पन्ने पर भी थी, एक और आई। एक है जो उन्होंने सर्वथा झूठ बोला ट्राइबल्स के बारे में, ट्राइबल्स के हक मारने वाले वो हैं, उस पर भी उनकी तस्वीर एक आ गई। फिर एक इश्तेहार भी इस पन्ने पर आ गया, तो तीन तस्वीरें इस पन्ने पर हो गई, दो खबरों में और एक इश्तेहार में हंसते मुस्कुराते हमारे मोदी जी। अब पेज नंबर 13 पे विश्वास से विकास यात्रा, किसका विश्वास हो रहा है, क्या किसका विकास बन रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर वही मोदी जी बड़े चीफ मिनिस्टर छोटे, एक और फोटो आ गई। चलिए कोई नहीं, अब हम ये बिजनेस और उसके पेज है, बिजनेस में तो मोदी जी कभी नहीं नजर आएंगे क्योंकि इकोनॉमी की बात होगी, बेचारे बेरोजगारी और महंगाई पर क्या बोलेंगे। अब आप अखबार में आगे देख लीजिए, जब आप आगे देख के अखबार को पलटिएगा स्पोर्ट्स के आगे, एक्चुअली स्पोर्ट्स में भी एक फोटो होनी चाहिए थी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसमें थोड़ा सा मिस किया, फेंकने की फोटो और लंबा लंबा फेंकते हैं, एक फोटो तो यहाँ पर भी लगानी चाहिए थी। लेकिन जब आप अखबार खत्म और बंद करते हैं तो दो और आते हैं, एक डबल इंजन का ये इश्तहार आता है और एक डिफेंस एक्सपो का इश्तहार आता है। मुझे एक सुझाव देना है, अखबार को भी देना है, बीजेपी को भी देना है, अगर यही फोटो 5-5 बार यूज हो रही है चीफ मिनिस्टर के साथ वाली, तो थोड़ी अलग अलग तस्वीरें दिखाइए, बोरियत आ रही है। 9 तस्वीरें मोदी जी की इस अखबार में छपी हैं, 9 तस्वीरें इश्तिहार को मिलाकर, इश्तिहारों से भरा पड़ा अखबार है, और अगर थोड़ी सी भी जगह इश्तिहारों के अलावा रह गई तो उसमें मोदी जी पर ही आर्टिकल मोदी जी की तस्वीरों के साथ। ये देश का चौथा लोकतंत्र का जो स्तंभ मीडिया कहलाता है वो लोकतंत्र में अपना धर्म निभाते जा रहा है। इसमें कितनी खबर ऑपोजिशन की है, कितने मुद्दे लोगों के हैं, एक व्यक्ति 3570 किलोमीटर इस देश को जोड़ने के लिए चल रहा है, उसके लिए एक कॉलम की भी कहानी या एक शब्द भी है नहीं है। ये देश के मीडिया की असलियत है। और जब आप अहमदाबाद जैसे शहर आते हैं जो पटे पड़े हैं एडवर्टाइजमेंट से, तो ये असलियत और उभर के आती है। एड ही से दमक रहे हैं मोदी जी, इतनी स्टोरीज लगाने की क्या जरूरत है। टाइम्स ऑफ इंडिया भी इस पर थोड़ा विचार करे और हम सब भी करें।